हेलो एवरीवन, क्लास ट्वेल्थ आरबीएससी विषय हिंदी पाठ संख्या थर्ड। डियर स्टूडेंट, पीयूष प्रभा पुस्तक का थर्ड लेसन आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। पाठ है गोरा। ये एक रेखा चित्र है। किसके द्वारा लिखा गया है? महादेवी वर्मा के द्वारा। ठीक है, सबसे पहले बेटा मैं आपको लेखिका का परिचय बता रही हूँ। महादेवी वर्मा साहित्य, महादेवी वर्मा का जन्म सन 1907 ईस्वी में हुआ और इनकी मृत्यु 1987 में। हिंदी छायावादी काव्यधारा आंदोलन के चार प्रमुख स्तंभों में से इनकी कविता में वेदना और करुणा की प्रधानता है। इन्हें आधुनिक युग की मीरा भी कहा जाता है। किसे? महादेवी वर्मा को आधुनिक युग की मीरा भी कहा जाता है। छायावादी आंदोलन के चार प्रमुख स्तंभों में से, चार कौन कौन से? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रानंदन पंत और महादेवी वर्मा। ठीक है, महादेवी वर्मा की चिंतन वृत्ति साहित्य और समाज दोनों दिशाओं में प्रवाहित होती है। उनका व्यक्तित्व सरलता, उदारता, संवेदनशीलता, आत्मीयता एवं सात्विकता से ओतप्रोत है। उन्होंने हिंदी संस्मरण और रेखाचित्र विधा को अप्रतिम ऊंचाई दी। महादेवी वर्मा का गद्य भाव एवं भाषा की दृष्टि से अनुपम है। उनकी प्रमुख रचनाएं इस प्रकार हैं। कविता संग्रह निहार, इनकी जो प्रमुख कविताएं हैं वो देखिए कौन कौन सी हैं। निहार, रशीम, नीरजा, संध्या गीत, दीपशिखा, यामा और संस्मरण एवं रेखाचित्र, अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, पथ के साथी, मेरा परिवार, निबंध, श्रृंखला की कड़ियां, साहित्यकार की आस्था एवं अन्य निबंध। देखिए गोरा रेखाचित्र इस पाठ में, ये महादेवी वर्मा का एक रेखाचित्र है। इसमें गोरा में गाय के अंतरंग व बाह्य सौंदर्य के साथ साथ इस पाठ में एक गाय के, जिसका नाम होता है बेटा गोरा, महादेवी वर्मा ने इस रेखा चित्र में गोरा नाम की गाय के अंतरंग व बाह्य सौंदर्य के साथ साथ मानवीय संवेदना का रेखांकन किया है। ठीक है, इसमें गाय का घर में आगमन, गाय घर में आती है, किस तरीके से सभी उसका स्वागत करते हैं, फिर लेखिका के ममत्व, रोचक वातावरण एवं गाय के प्रेम को कलात्मक ढंग से प्रस्तुत किया गया है। गोरा गाय की, गाय के स्वभाव एवं क्रियाकलापों के अंकन में लेखिका ने चित्रात्मक भाषा, बिंब प्रधान शैली और प्रतीकात्मक शिल्प का प्रयोग किया है। अंतिम वाक्य में, पाठ के अंतिम वाक्य में, आहा मेरा गोपालक देश, संपूर्ण रेखा चित्र का वह मार्मिक कथन जिसमें लेखिका की ममता उभर पड़ती है तो मानवीय संवेदना भी तड़प उठती है। देखिए इस पाठ में लेखिका महादेवी वर्मा ने गोरा, गोरा एक गाय होती है, गाय के अंतरंग और बाह्य सौंदर्य का वर्णन किया है, बड़े ही कलात्मक ढंग से प्रस्तुत किया है। किस तरीके से गाय घर में आती है, उसका कैसे स्वागत किया जाता है, कैसे लेखिका की उस गाय के प्रति ममता है, इन सब बातों का वर्णन इस पाठ में किया गया। ओके, अब लेसन स्टार्ट करें बेटा। गोरा मेरी, देखिए लेखिका बता रही है कि लेखिका की छोटी बहन का सुझाव था और उसको लेखिका ने माना। देखिए क्या सुझाव था। गोरा मेरी बहन के घर पली हुई गाय की वह संधि तक पहुंची हुई बच्चिया थी। उसे इतने स्नेह और दुलार से पाला गया था कि अन्य गोवत्साओं से कुछ विशिष्ट हो गई थी। लेखिका बता रही है कि गोरा जो है वो मेरे ही बहन के घर में पली थी। बहन ने एक दिन कहा, तुम इतने पशु पक्षी पाला करती हो। महादेवी वर्मा को बेटा शुरू से ही पशु पक्षियों को पालने का बहुत अधिक शौक था। किसे?
महादेवी वर्मा को। तो लेखिका कह रही है, मेरी बहन ने मुझे कहा कि तुम इतने पशु पक्षी पालती हो, एक गाय क्यों नहीं पाल लेती। बहन ने सुझाव दिया था किसे, महादेवी वर्मा को। महादेवी वर्मा को जीव जंतुओं से, पशु पक्षियों से बहुत ज़्यादा प्रेम था। ठीक है, तुम एक गाय क्यों नहीं पाल लेती। वास्तव में मेरी छोटी बहन श्यामा अपनी लौकिक बुद्धि से मुझसे बहुत ही बड़ी और बचपन से उनकी कर्म निष्ठा तथा व्यवहार कुशलता की बहुत प्रशंसा होती रही। विशेषतः मेरी तुलना में मेरी बहन की हर कोई ज़्यादा तारीफ करता था। यदि वे आत्मविश्वास के साथ कुछ कहती हैं तो उसका विचार संक्रामक रोग के समान सुनने वाले को तत्काल प्रभावित करता। आश्चर्य नहीं यदि उस दिन उसकी उपयोगितावाद संबंधी भाषण ने मुझे इतना प्रभावित किया कि तत्काल उस सुझाव का कार्यान्वयन आवश्यक हो गया। देखिए लेखिका क्या कह रही है, जो मेरी बहन है वो उसकी हर कोई बहुत ज़्यादा तारीफ करता था मेरे कंपेरेटिव, और मेरी बहन जो भी बात कह देती थी हर कोई उसे मानता था। और मुझे उसने सुझाव दिया, क्या सुझाव दिया, एक गाय रखने का सुझाव दिया, और मुझे तुरंत उनका ये सुझाव अच्छा लगा और मैंने इसे फॉलो करने की अनुमति दे दी। किसने का, लेखिका ने। इतना अधिक प्रभावित किया कि तत्काल उस सुझाव का कार्यान्वयन आवश्यक हो गया। वैसे खाद की किसी भी समस्या के समाधान के लिए पशु पक्षी पालना मुझे कभी नहीं रुचा। बकरी कुकुट मछली आदि पालने के मूल उद्देश्य का ध्यान आते ही मेरा मन विद्रोह करने लगता है। पर उस दिन मैंने ध्यानपूर्वक गोरा को देखा, पुष्ट लचीले पैर भरे पुट्ठे, चिकनी भरी हुई पीठ, लंबी सुडौल गर्दन, निकलते हुए छोटे छोटे सींग, भीतर की लालिमा की झलक देते हुए कमल की दो अध खुली पंखुड़ियों जैसे कान, लंबी और अंतिम छोर पर काले सगन चामर का स्मरण दिलाने वाली पूंछ, सब कुछ सांचे में ढला हुआ सा था। गाय को मानो इटालियन मार्बल से तलाश कर उस पर ओप दी गई हो। तो कहने का तात्पर्य कि गाय इटालियन मार्बल से तराश कर उस पर ओप दी गई हो। लेखिका कह रही है, गाय को देखा है, गाय के बाह्य व्यक्तित्व के बारे में बताया, क्या बताया है कि पुष्ट लचीले पैर भरे पुट्टे, चिकनी भरी हुई पीठ, लंबी सुडोल गर्दन, निकलते हुए छोटे छोटे सींग, भीतर की लालिमा की झलक देते हुए कमल की दो अध खुली पंखुड़ियों जैसे कान, लंबी और अंतिम छोर पर काले सगन चामर का स्मरण दिलाने वाली पूंछ, सब कुछ सांचे में ढला हुआ गाय मानो इटालियन मार्बल से तराश कर उस पर ओप दी गई हो। स्वस्थ पशु के रोमों में सफेदी में एक विशेष चमक होती है। गोरा की उज्ज्वलता देखकर, लेखिका कह रही है, गोरा की उज्ज्वलता देखकर ऐसा लगा मानो उसके रोमों पर अभ्रक का चूर्ण मल दिया गया हो, जिसके कारण जिधर आलोक पड़ता है उधर विशेष चमक उत्पन्न होती है। गोरा का जो बाह्य शरीर था वो ऐसे चमक रहा था। गोरा को देखते ही मेरी पालने के संबंध में द्विधा निश्चय में बदल गई। कि अब तक तो लेखिका कह रही है मुझे ये दुविधा हो रही थी कि मैं पालूं या नहीं पालूं, लेकिन अब उसे देखकर मेरी दुविधा निश्चय में बदल गई। अब तो मुझे हो गया कि नहीं, मुझे गोरा को पालना ही पालना है। गोरा को देखते ही मेरी पालने के संबंध में द्विधा निश्चय में बदल गई। गाय जब मेरे बंगले पर पहुंची तब मेरे परिचितों परिचारकों में श्रद्धा का ज्वार सा उमड़ आया। उसे लाल सफ़ेद गुलाबों की माला पहनाई गई। देखिए, जब गोरा
गोरा कौन है? एक गाय। जब लेखिका, और लेखिका ये गाय कहाँ से लाई थी? अपनी बहन के घर से, ठीक है। बहन का नाम क्या है? श्यामा। और जब गोरा घर में आई तो गाय जब मेरे बंगले पर पहुंची तो मेरे परिचितों और परिचारकों ने श्रद्धा का ज्वार सा उमड़ आया। उसे लाल सफ़ेद गुलाबों की माला पहनाई गई, केसर रोली का, देखिए उसका स्वागत कैसे किया, लाल और लाल गुलाबी फूलों की माला पहनाई गई, केसर रोली का बड़ा सा टीका लगाया गया, घी का चौमुखा दिया जलाकर उसकी आरती उतारी गई, उसे दही पेड़ा खिलाया गया, उसका नामकरण हुआ गोरांगनी या गोरा। पता नहीं इस पूजा अर्चना का उस पर क्या प्रभाव पड़ा, परंतु वह बहुत प्रसन्न जान पड़ी। देखिए लेखिका क्या कह रही है, उसका नाम क्या रखा गया? गोरांगनी या गोरा। कैसे उसका स्वागत किया गया? लाल और गुलाबी फूलों की माला पहनाई गई, माथे पर तिलक लगाया गया, चौमुखा दिया बनाकर उसकी पूजा की गई और नाम रखा गया गोरा। पता नहीं इस पूजा अर्चना का उस पर क्या प्रभाव पड़ा, परंतु वह बहुत प्रसन्न जान पड़ी। उसकी बड़ी चमकीली और काली आंखों में जब आरती के दिए की लो प्रतिफलित होकर झिलमिलाने लगे, तब कई दियों का भ्रम होने लगा। जान पड़ा जैसे रात में काली दिखने वाली लहर पर किसी ने कई दिए प्रभावित कर दियो। गोरा वास्तव में बहुत प्रिय दर्शन थी, विशेषतः उसकी काली बिलोरी आँखों की तरह सौंदर्य तो दृष्टि में बांधकर स्थिर कर देता था। चौड़े उज्जवल माथे, लंबे तथा सांचे में डले हुए से मुख पर आँखें बर्फ में नीचे जल के कुंडों के समान लगती थी। उनमें एक अनोखा विश्वास का भाव रहता था। गाय के नेत्रों में हिरण के नेत्रों जैसा चकित विस्मय न होकर एक आत्मीय विश्वास ही रहता था। उस पशु को मनुष्य से यातना ही नहीं निर्मम मृत्यु तक प्राप्त होती है, परंतु उसकी आँखों में विश्वास का स्थान नहीं विस्मय ले पाता, न आतंक। देखिए लेखिका क्या बता रही है कि मेरी बहन के आग्रह पर बहन ने मुझे कहा कि तुम और पक्षी रखती हो, इतने जीव जंतुओं से तुम्हें इतने अधिक प्रेम है, तो मेरी बहन ने मुझे गाय पालने के लिए कहा, तो मैं एक द्विधा में रही, पालूं या नहीं। लेकिन जब इस गोरा को देखा, इतनी गोरी चिट्टी उज्जवल इसे देखा तो इसे पालने का मन किया और इसे घर ले आई। घर में इसका स्वागत कैसे किया गया? फूल मालाओं से, माथे पर तिलक लगा के, दिया जला के इसका स्वागत किया गया। गोरांग इसका नाम रखा गया, अर्थात गोरा इसका नाम रखा गया। गोरा वास्तव में बहुत प्रिय दर्शन थी, विशेष उसकी काली बिलोर आँखों का तरल सौंदर्य तो दृष्टि को बांधकर स्थिर कर देता था। इतनी सुंदर थी कि उससे निगाहें हटती नहीं थी। चौड़े उज्जवल माथे और लंबे तथा सांचे में ढले हुए से मुख पर आँखें बर्फ के नीचे जल के कुंडों के समान लगती थी। उसमें एक अनोखा विश्वास था, विश्वास का भाव रहता था। गाय के नेत्रों में हिरण के नेत्रों जैसा चकित विस्मय न होकर एक मानवीय विश्वास ही रहता। उस पशु को मनुष्य से यातना ही नहीं निर्मम मृत्यु तक प्राप्त होती, परंतु उसकी आँखों में विश्वास का स्थान न विस्मय ले पाता, न आतंक। महात्मा गांधी ने गाय करुणा की कविता है क्यों कहा? यह उसकी आंखें देखकर ही समझ में आ सकता था। मतलब आँखों में इतनी करुणा दीनता दिखाई दे रही थी, तो लेखिका कह रही है महात्मा गांधी ने गाय करुणा की कविता है, यह उसकी आंखें देखकर ही समझ में आता था। गोरा की आलस मंथर गति से तुलना करने का योग्य कम वस्तुएं हैं। तीव्र गति में सौंदर्य है, परंतु वह मंथर गति में सौंदर्य को नहीं पाता। बाण की तीव्र गति क्षण भर के लिए दृष्टि में चकाचौंध उत्पन्न कर सकती है, परंतु मंद शरीर से फूल का अपने व्रत पर होले होले हिलना दृष्टि का उत्सव है। कुछ ही दिनों में
यह सबसे इतनी हिलमिल गई कि अन्य पशु पक्षी उसकी लघुता और उसकी विशाल काय का अंतर भूल गए। कुत्ते बिल्ली उसके पेट के नीचे और पैरों के बीच में खेलने लगे। पक्षी उसकी पीठ और माथे पर बैठकर उसके कान तथा आँखें खुजलाने लगे। वह भी स्थिर खड़ी रहकर और आँखें मूंद कर मानो उनके संपर्क सुख की अनुभूति में खो जाती थी। तथा वो भी इन ये सब महादेवी वर्मा के जो पहले के पक्षी वगैरह हैं, तो वो सब जो जानवर महादेवी वर्मा के साथ रहते थे, वो सब इस गोरा के साथ ऐसे घुल मिल गए जैसे कब से ये एक दूसरे को जानते हैं। और इस देखिए, जैसे कहा गया कि कुछ ही दिनों में सब इतने हिल मिल गए कि अन्य पशु पक्षी उसकी लघुता और उसकी विशालता के अंतर को भी भूल गए कि हम कितने छोटे हैं, ये कितने विशाल। कुत्ते बिल्ली उसके पेट के नीचे और पैरों के बीच में खेलने लगे। पक्षी उसकी पीठ और माथे पर बैठकर उसके कान तथा आँखें खुजलाने लगे। वह भी स्थिर खड़ी रहकर और आँखें मूंद कर मानो उसके संपर्क में सुख की अनुभूति में खो जाती थी। ठीक है बेटा, यहाँ तक समझ आया आपको? इस पाठ में किसके बारे में बताया? गोरा। अब तक हमने क्या पढ़ा? गोरा के बाह्य व्यक्तित्व के बारे में लेखिका ने वर्णन किया कि वो कितनी सुंदर थी। गोरा कौन है? एक गाय। ये अपनी बहन के यहाँ से लाई थी। उसका कैसे स्वागत किया गया, कैसे इसका नामकरण रखा गया गोरा। ठीक है, फिर जो महादेवी वर्मा के और पशु पक्षी थे वो सब और जानवर इस गोरा से कितने हिल मिल गए, आपस में मिलजुल कर ये सब रहने लगे। ठीक है बेटा, आज इतना ही पढ़ेंगे। जितना कराया है उसे आप अच्छे से पढ़ लेना, रीड कर लेना। सिंपल सा चैप्टर है। कोई डाउट हो फिर भी अपने डाउट ज़रूर क्लियर कर लेना। ओके बेटा, थैंक यू।